दोस्तों आप सभी का स्वागत है टेक इकरार यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का ऑनलाइन आप अपना अकाउंट ओपन किए हैं तो आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का केवाईसी फुल केवाईसी आप कैसे करेंगे। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी लाइव प्रूफ के साथ बताएंगे। वीडियो आपको पसंद आए तो टेक इकरार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए फ्रेंड वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपको अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का केवाईसी करने के लिए आपको अपना जो भी एम पिन है आप अपना एम पिन आप यहां पर इंटर कीजिएगा। आप पहले से रजिस्टर नहीं किए हैं तो हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब यहां पर आपको बताएंगे कैसे अपना ऑनलाइन आप केवाईसी घर बैठे आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। दोस्तों आपको पूरी जानकारी आपको बताएंगे। आपको यहां पर देख सकते हैं कि आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का होम पेज पर आ चुके हैं। यहां पर आपको बहुत सारे सर्विसेज आपको दिख रहे हैं और यहां पर देख सकते हैं कि आपको केवाईसी का ऑप्शन आपको कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। तो आपको यहाँ पर थ्री डॉट पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे थ्री डॉट पर आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर देख सकते हैं होम सेंड मनी बेनिफिशियरी है जो भी है मैनेज कर सकते हैं बिल पेमेंट सर्विस। तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं सर्विस पर आपको क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि आप यहाँ पर सर्विस में रिक्वेस्ट सर्विस में जैसे कि आपको यहाँ पर MMID जनरेट कर सकते हैं। MMID का मतलब होता है कि आपके मोबाइल नंबर MMID के जरिए आप अपने अकाउंट में पैसा मंगा सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं नॉमिनी अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, पेन कार्ड का अपडेट आपको ऑप्शन आ रहा है। तो हमने ऑलरेडी पेन कार्ड नॉमिनी का ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। आधार सेटिंग में आपको बताएंगे कैसे आपका आधार सेटिंग कैसे चेक करेंगे कि आपका IPPB में आधार सेटिंग सेट है कि नहीं सेट है। तो आपको यहां पर देख सकते हैं कि आपको ईमेल ID अपडेट करने का ऑप्शन आता है। अब यहां पर देख सकते हैं अपडेट स्टेटमेंट ऑप्शन। तो आपको यहां पर आपका जो भी ईमेल आपने यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो भी है आप मंथली क्वार्टरली जो भी है सेलेक्ट कर सकते हैं। यहां पर रिक्वेस्ट कंप्लेन, यहां पर देख सकते हैं फीडबैक जो भी है आप देख सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं अपलोड डॉक्यूमेंट। तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे ऑप्शन आपको आ जाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं किसी भी तरह के कोई भी KYC का ऑप्शन ऑनलाइन नहीं है। तो आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के जो भी है आपको कैसे KYC करवाना होगा। तो दोस्तों आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के जो भी है आपको यहाँ पर आ जाना होगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको थ्री डॉट पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आपको यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर होम पर आ जाना होगा। अब आपको यहाँ पर से लॉग आउट कर लेना होगा। जैसे हम यहाँ पर लॉग आउट कर लेते हैं तो हम यहाँ से लॉग आउट कर लेते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं ओके पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, जैसे देख सकते हैं स्कैन पे लोकेशन और कॉल। यहाँ पर बहुत सारे आपको ऐप शेयरिंग का ऑप्शन दिख रहा है। तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं कॉन्टेक्ट, इस पर आपको क्लिक करना होगा। अब आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के जो भी आपको कस्टमर केयर नंबर है आप देख सकते हैं, आपको KYC करवाने के लिए आपको यहां पर कॉल कर दीजिएगा। आपके जो भी नियर ब्रांच में आपका KYC नहीं होता है तो आपको अपने जो भी कस्टमर का कॉल कीजिएगा। जैसे देख सकते हैं 1552 99, इस पर आप कॉल करके अपने एरिया बता सकते हैं कि हम इस एरिया से हैं और हमारे जो प्रॉब्लम है KYC नहीं हो पा रहा है। तो उसके जो भी आपके रिकॉर्डिंग जो भी आपके एजेंट होंगे आपके नियर ब्रांच में तो आपके घर आने की कोशिश करेंगे या तो आपको खुद बुलाएंगे। तो दोस्तों आप ऐसे आप देख सकते हैं दूसरा नंबर है कि 1800088999860। इस नंबर पर भी कॉल करके अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के किसी भी तरह के कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और KYC अपना जो भी आपके नियर ब्रांच में आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है वहां पर आपको कॉल आपका जो रिक्वेस्ट है आपको यहां पर भेज दी जाएगी कि आप KYC करवाना चाहते हैं। दोस्तों आपको आपको बता दें कि आप ऑनलाइन KYC कभी भी नहीं कर पाएंगे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में। आपको वहां पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में जाना होगा, आपको जो भी आपके आधार कार्ड और आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर आपके अकाउंट से लिंक है वो नंबर, और आपको तीन बार आपको डिवाइस पर आपको फिंगर रखना होगा। जैसे तीन बार आपको फिंगर देना होगा तो जैसे आप फिंगर आप दे देंगे तो आपका KYC जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा 24 घंटे के अंदर अंदर। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले ठीक है, बाय, थैंक यू।